हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे शैडो बॉक्सिंग का बेसिक। अगर आप एक बिगनर बॉक्सर हो या फिर शैडो बॉक्सिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो आप यहां से अपनी शैडो बॉक्सिंग को स्टार्ट कर सकते हो। हमने बिगनर बॉक्सिंग सीरीज़ में लगभग ऑलमोस्ट हमारा जो कम्प्लीट बेसिक था वो सीख लिया है। अब उस बेसिक के बेस पर हमें शैडो बॉक्सिंग को परफॉर्म करना है। बहुत ज़्यादा एडवांस शैडो बॉक्सिंग परफॉर्म नहीं करनी, हमारी शैडो बॉक्सिंग का जो बेसिक होता है उसको परफॉर्म करना है, जिससे हम आगे की जो एडवांस शैडो बॉक्सिंग होती है, जो कम्प्लीट शैडो बॉक्सिंग होती है, हुक अपरकट वाली, पूरे डिफेंस वाली, हैंड मूवमेंट वाली, हेड मूवमेंट वाली, फुट मूवमेंट वाली, उसको अच्छे से परफॉर्म कर पाए, तो उसका बेसिक बताऊंगा आज की इस वीडियो में। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप एक नई व्यूअर हो तो सबसे पहले प्लीज सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना। शैडो बॉक्सिंग स्टार्ट करने से पहले आपको अपने पंच को रिकॉल कर लेना है कि हम पंच किस तरीके से मारते हैं। सबसे पहले हम गार्ड बनाते हैं, फिर अपने फुट का बेसिक स्टेप करते हैं 1-2 वाला, फिर इसी स्टेप पे अपने पंच को ऐड कर देते हैं और कुछ बातों को ध्यान रखते हैं कि एल्बो बाहर नहीं जानी चाहिए, राइट हैंड चिन पे आ जाएगा अगर लेफ्ट हैंड से पंच मारेंगे, और राइट हैंड से पंच मारेंगे तो लेफ्ट हैंड चिन पे आ जाएगा। इसके अपला का काम लेना है, बॉडी टाइट करके अटैक नहीं करना, पूरी बॉडी को फ्री छोड़ के मैक्सिमम रेंज तक पंच मारने का ट्राई करना है। कितनी दूर तक पंच मार सकते हो अपने स्कैपला के सपोर्ट से, अपनी बॉडी के मूवमेंट से, तो इस चीज़ का आपको ट्राई करना है पंच मारते टाइम। तो आपको इन चीज़ों के ऊपर रिकॉल कर लेना है बेसिक में। उसके बाद आपको सबसे पहले करना है फुटवर्क। फुटवर्क भी आपको किस तरीके से करना है, जो हमने 1-2-1-2 वाला सीखा था उसका कंप्लीट एक फुटवर्क करना है। पहले आपको उसकी प्रैक्टिस कर लेनी है इस तरीके से, जैसे जो हमारा 1-2-1-2 मूवमेंट था और हमने एक फुटवर्क और सीखा था ये वाला, तो आपको इसी फुटवर्क में फ्रंट बैकवर्ड लेफ्ट राइट ऐड कर देना है इस तरीके से। ये फ्रंट साइड, ये बैक साइड, ऐसे ही सेम ये लेफ्ट साइड और ये राइट साइड इस तरीके से। पहले आपको 3 सेट इस बेस के लेने हैं इस फुटवर्क के, जब भी आप एक अच्छी शैडो बॉक्सिंग परफॉर्म कर पाओगे। अदरवाइज़ अगर आप शैडो बॉक्सिंग परफॉर्म करते हो तो आपका फुटवर्क मैच नहीं होगा और आपका बैलेंस बिगड़ सकता है, आपके पंच में पूरा कॉम्बिनेशन नहीं आ पाएगा। तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन अटैक करने के लिए, एक अच्छी फॉर्म लाने के लिए आपको पहले फुटवर्क की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आप इस तरीके से 3 सेट ले सकते हो स्टार्टिंग में अपने फुटवर्क को और भी इम्प्रूव करने के लिए। तो बिल्कुल सिंपल है, जो हमने ये फुटवर्क सीखा था उसी में इसको ऐड कर देना है, फ्रंट बैकवर्ड लेफ्ट राइट। और आपको इसके अंदर ये ध्यान रखना है कि जो भी हमने फुटवर्क के बेसिक में सीखा था उन सारी चीज़ों को इसके अंदर अप्लाई करना है, कि हमारे लेग्स बराबर में नहीं आने चाहिए, क्रॉस में नहीं जाने चाहिए, जितना लेफ्ट चलेगा उतना ही राइट चलेगा। बस एक चीज़ नहीं है जो कि आपको ध्यान रखनी है, आप जब भी फुटवर्क करोगे तो आपको कंगारू की तरह जंप नहीं करना, मीन के आपको जंप लेके आगे की तरफ नहीं बढ़ना इस तरीके से, ये गलत है। अगर आप किसी से पंच पड़ गया तो आप गिर भी सकते हो और इससे आपका कभी बैलेंस नहीं बन पाएगा और आपका पंच कभी भी एक स्ट्रॉन्ग वे में नहीं पड़ेगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि कभी भी ऐसे इस तरीके से जंप करके आगे नहीं बढ़ना, एक एक मूवमेंट को आगे लेके बढ़ना है इस तरीके से। जैसे पहले राइट लेग से सपोर्ट लिए इस तरीके से, ये ऐसे इस तरीके से मूवमेंट करना है। जैसे बैक साइड चलेंगे तो पहले लेफ्ट लेग का मूवमेंट किया इस तरीके से, लिए सिंपल, बहुत सिंपल है। जो हमने 1-2-1-2 सीखा है उसी को अप्लाई करना है, बस इस चीज़ को अवॉइड करना है कि ये चीज़ नहीं करनी। कुछ बिगनर बॉक्सर करते हैं जो कि पहली बार रिंग में खेलते हैं या शैडो बॉक्सिंग परफॉर्म करते हैं, तो आपको इस चीज़ को अवॉइड करना है, इससे आपके इंजरी हो सकती है और ये बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं लगता। आप जैसे कि मुझे देख पा रहे हो, मैं ऐसा करता हुआ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा ही लग रहा है कि ये क्या कर रहा है, बॉक्सर भी नहीं लग रहा। तो अगर आप भी सेम यही चीज़ रिपीट करोगे तो दूसरे आपके लिए भी यही कहेंगे कि ये क्या गलती कर रहा है, ये तो लग ही नहीं रहा कि बॉक्सर है। तो आपको इस चीज़ को अवॉइड करना है, जो कि बहुत अजीब सा भी लगता है, इसको आपको अवॉइड करना है। आपको ट्राई करना है इस तरीके से फुटवर्क करने का। जैसे आप फ्रंट साइड चलोगे तो पहले अपने राइट लेग को मूवमेंट में लेना इस तरीके से, जैसे हम फुटवर्क में ये ऐसे। बैक साइड चलोगे तो अपने लेफ्ट लेग को मूवमेंट में लेना एक फ्लो बनाने के लिए, जिससे आपका बैलेंस मेंटेन रहे, ये आप जैसे इसकी प्रैक्टिस कर लोगे 1 या 2 सेट 3 सेट तो ये अपने आप आपकी बॉडी में ढल जाएगा और आपका बहुत अच्छा बेस हो जाएगा फुटवर्क का, आप इसको इजीली अप्लाई कर पाओगे। तो जब भी शैडो बॉक्सिंग स्टार्ट करो तो इस चीज़ को जरूर अपनी शैडो बॉक्सिंग में डालो, जिससे आपका बेस और भी स्ट्रॉन्ग हो, आपका कॉम्बिनेशन इंक्रीज हो और आपका फुटवर्क भी इंक्रीज हो। तो इस चीज़ को आपको ट्राई करना है। जैसे लेफ्ट साइड चलेंगे तो लेफ्ट साइड में भी आपको इस चीज़ को ही परफॉर्म करना है इस तरीके से, ये ऐसे ऐसे नहीं करना, वही सिंपल, ये एक एक लेग चलाना है। अब जैसे आपको कंफर्ट हो, आपको पहले राइट चलाना कंफर्ट है, पहले लेफ्ट चलाना कंफर्ट है, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि आपको किस तरीके से कंफर्ट है, आपका बैलेंस किस तरीके से बन पा रहा है। बट मेरा तो मेन मोटिव यही समझाना है कि दोनों लेग एक साथ उठाने नहीं है, दोनों लेग उठाने वाली गलती आपको नहीं करनी। आपको 1-2-1-2 का स्टेप चलाते हुए मूवमेंट करना है, ये वाला, ये
जिससे आप कभी एक एडवांस फुटवर्क भी करो उसमें भी आपको हेल्प मिले, जैसे साइड स्टेप लेना है फुटवर्क करते हुए तुरंत, या फिर राइट लेग को बाहर निकालते हुए मूवमेंट करना है, या फिर हमें क्रॉस में मूवमेंट करना है, कोई अदर मूवमेंट करना है, तो इससे भी आपको उसके अंदर बहुत हेल्प मिलेगी एडवांस फुटवर्क को परफॉर्म करने में। सबसे पहले आपको उसके 3 सेट ले लेने हैं शैडो बॉक्सिंग स्टार्ट करने से पहले। इसके बाद हमने स्लिप मूवमेंट को सीख लिया है कि स्लिप मूवमेंट को कैसे परफॉर्म करना है, इस तरीके से ये एक सेट आप इसका भी ले सकते हो जिससे आपकी इसकी प्रैक्टिस हो जाए और इसका आप शैडो बॉक्सिंग के अंदर परफॉर्म कर पाओ। ये इस तरीके से ऐसा आप इसका एक सेट ले सकते हो और वो एक सेट 2 या 3 मिनट का तो होना ही चाहिए, और आप जब भी फुटवर्क का सेट करोगे तो वो भी 2 या 3 मिनट का होना चाहिए, जब भी आपकी बॉडी उसको अच्छे से गेन कर पाएगी और आप उसको अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे, अपना कॉम्बिनेशन इंप्रूव कर पाओगे। तो 2-2 मिनट के आपको 3 सेट ले सकते हो, और आप एक सेट ले सकते हो इसके ऊपर रिकॉल करने के लिए कि हमने कैसे मूवमेंट करा, अगर आप बिगनर लेवल पे पहली बार शैडो बॉक्सिंग को ट्राई कर रहे हो तो इसका एक सेट ले सकते हो। इसके बाद आपको क्या करना है, अपने फुटवर्क में रहना है, बैक साइड फ्रंट साइड, वही 2 मिनट का सेट चल रहा है, उसमें आपको हर 3 सेकंड बाद या 4 सेकंड बाद अपने मन में ध्यान रखना है। अगर आप पार्टनर ट्रेनिंग कर रहे हो तो आप में से एक जना बोल सकता है आप, उस पे आपको पंच मारना है, अदरवाइज अगर आप सिंपल अकेले प्रैक्टिस कर रहे हो, सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे हो, तो उसके अंदर आपको ट्राई करना है कि हर 2 या 3 सेकंड बाद एक पंच मारो, सिर्फ एक पंच। कैसे, जैसे खेल रहे हैं, ये हमारा फुटवर्क चल रहा है, अब लेफ्ट स्लिप लेफ्ट, फुटवर्क में लेफ्ट स्लिप, स्लिप मूवमेंट चल रहा है फुटवर्क में लेफ्ट। तो इसके अंदर आपको सबसे पहले अपने बेस को क्लियर करना है, जैसे लेफ्ट लेफ्ट पंच मारा, फिर राइट राइट पंच मारा, फिर 1-2 एक साथ मारे। जैसे ही आपके तीनों पंच अच्छे से सेट हो गए, 2 पंचेस का आप अच्छे से परफॉर्म करने लगे, उसके बाद आपको ट्राई करना है 3 और 4 पंचेस को परफॉर्म करने का, उससे आपकी शैडो बॉक्सिंग और इम्प्रूव हो जाएगी। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो आपका सेट चल रहा है उसके अंदर आप परफॉर्म कर रहे हो तो आपको एक तो फुटवर्क में रहना है इस तरीके से, ही प्रॉपर गार्ड हो फुटवर्क हो, बीच में स्लिप कर रहे हो, जैसे लेफ्ट साइड स्लिप कर दी, ये फुटवर्क में हो गार्ड है, राइट साइड की स्लिप कर दी, लेफ्ट साइड की स्लिप कर दी, लेफ्ट, और फिर जैसे ही आप एक पंच मार दो, लेफ्ट पंच मार दो, राइट पंच मार दो, कोई भी पंच मार दो, तब आपको उस प्लेस को चेंज कर देना है, उस प्लेस को छोड़ देना है। सपोज जैसे मैंने लेफ्ट मारा तो तुरंत आप साइड स्टेप लेकर पीछे हट सकते हो, या फिर फ्रंट साइड फुटवर्क कर सकते हो, लेफ्ट साइड फुटवर्क कर सकते हो, कोई भी नेक्स्ट मूवमेंट परफॉर्म कर सकते हो, बट आपको उस जगह खड़े नहीं रहना, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर जैसे ही आपके लेफ्ट साइड का राउंड कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आपको परफॉर्म करना है राइट हैंड से, जैसे खेल रहे हैं वही गार्ड फुटवर्क स्लिप स्लिप मूवमेंट, साइड स्टेप ले लिया, अप अप अप। मेरे पास थोड़ा स्पेस कम है इस वजह से मैं ऐसे परफॉर्म कर रहा हूँ, आपके पास पूरा एक ओपन स्पेस होगा, आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप रूम के अंदर या फिर ओपन स्पेस में ट्राई करो, जिससे आपके पास एक पूरा स्पेस हो और आप अच्छे से परफॉर्म कर पाओ, पूरा फुटवर्क परफॉर्म कर पाओ, अच्छे से पंच मार पाओ, खुल के परफॉर्म कर पाओ। मेरे पास स्पेस कम है तो मैं आपको समझाने की मोटिव से परफॉर्म कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं भी जब इन चीज़ों की प्रैक्टिस करता हूँ तो ओपन एरिया में प्रैक्टिस करता हूँ या रूम के अंदर प्रैक्टिस करता हूँ, क्योंकि रूम का एरिया इस एरिया से बड़ा है, तो इसलिए मैं रूम में प्रैक्टिस करता हूँ या फिर बाहर भी कर लेता हूँ ओपन एरिया में, छत वगैरह पे। तो आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप भी ओपन एरिया में परफॉर्म करो, जिससे आप अपनी पूरी लोअर रेंज में परफॉर्म कर पाओ, अच्छे से फुटवर्क करो, पूरी शैडो बॉक्सिंग करो, पूरा मूवमेंट अच्छे से कर पाओ, साइड स्टेप लेने में दिक्कत नहीं है। तो आपको इस चीज़ का ट्राई करना है कि ओपन एरिया में परफॉर्म करें। फिर जैसे ही आपका लेफ्ट और राइट सेट हो जाए, जैसे कि हमने लेफ्ट पंच का परफॉर्म कर लिया, राइट पंच का परफॉर्म कर लिया, अब हमें परफॉर्म करना है दोनों पंच के साथ, और दोनों पंच के साथ मैं आपको ये चीज़ सजेस्ट करूँगा जो कि आपको बहुत हेल्प करेगी आगे जाके, आप जब भी दोनों पंच मारो उसके बाद आपको स्लिप जरूर परफॉर्म करनी है, इससे आपकी एक डिफेंस करने की हैबिट बन जाएगी अटैक के साथ साथ, इससे आपको काउंटर अटैक करने में भी बहुत हेल्प मिलेगी। जैसे फुटवर्क में ये पंच मारा और स्लिप स्लिप, फिर जगह छोड़ दी, निकल गए, 1-2 स्लिप स्लिप, फिर निकल गए, खेल रहे हैं फुटवर्क चल रहा है, 1-2 स्लिप स्लिप गार्ड, खेल रहे हैं 1-2 स्लिप स्लिप, निकल गए 1-2 स्लिप स्लिप, इस तरीके से परफॉर्म करना है। इससे आपको ये बेनिफिट मिलेगा, आपकी डिफेंस की स्किल भी आपके अटैकिंग के साथ साथ डेवलप हो जाएंगी, और आप जब भी रिंग के अंदर परफॉर्म करोगे या स्ट्रीट फाइट में कभी आपकी फाइट होती है तो आप अटैक के साथ डिफेंस करते हुए भी अटैक कर पाओगे। जैसे आपने 1-2 मारा, वो कोई अटैक कर रहा है, तुरंत डिफेंस करा, आपकी बॉडी में इतने अच्छे ढल जाएगा, आप इनकी जितनी ज़्यादा रेपिटेशन निकालोगे उतना ज़्यादा आपकी बॉडी में ढल जाएगा और आप इनको ईजिली परफॉर्म कर पाओगे। जैसे आपने 1-2 मारे, फिर वो आप कोई अटैक कर रहा है, आपने तुरंत स्लिप स्लिप करा और फिर कोई काउंटर अटैक कर दिया, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो इस चीज़ को आपको ट्राई करना है, तो ये चीज़ आपको जरूर परफॉर्म
परफॉर्म करनी है वन टू के साथ साथ कि स्लिप स्लिप जरूर करें और उस प्लेस को छोड़ दें। आज की इस वीडियो में हमने सीखा है शैडो बॉक्सिंग का बेसिक। अगर आपको ये बेसिक अच्छे से आ गया तो आपको एडवांस जो शैडो बॉक्सिंग होती है उसमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, आप उसको अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे और बिल्कुल एक एग्रेसिव बॉक्सर की तरह परफॉर्म कर पाओगे। इसके अंदर आपको एक अच्छा बेस बना लेना है जिससे आप एक अच्छे बॉक्सर बन सको और साथ ही एक एग्रेसिव परफॉर्मेंस दे सको, एक एडवांस बॉक्सर की तरह परफॉर्मेंस दे सको। तो आप जब भी शैडो बॉक्सिंग करोगे सबसे पहले आपको फुटफर के 3 राउंड ले लेने हैं, सिंपल फ्रंट बैक लेफ्ट राइट, उसमें आप साइड स्टेप को भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद आप 1 या 2 राउंड स्लिप मूवमेंट के ले लो और उस राउंड के अंदर आप स्लिप के साथ साथ हमने सो बैक और धक्का मूवमेंट भी सीख लिया है तो आप इनको भी ऐड कर सकते हो। शैडो बॉक्सिंग में आप जितने ज़्यादा वर्कआउट को ऐड करोगे उतनी ज़्यादा आपकी शैडो बॉक्सिंग इंप्रूव होगी, उतनी ज़्यादा शैडो बॉक्सिंग आपकी दिखने में अच्छी लगेगी। तो आप उसके अंदर डक और सो बैक को भी ऐड कर सकते हो जिससे आप एक एग्रेसिव बॉक्सर लोगो। साथ ही जैसे ही आपका ये राउंड कंप्लीट हो उसके बाद आपको लेना है सिंपल लेफ्ट का अटैक, उसके बाद राइट का अटैक, जैसे गार्ड है फुटपर चल रहा है अप 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 फिर देन राइट का अटैक राइट राइट राइट, फिर ऐसे 1-2 का अटैक 1-2 सो बैक निकल गए, 1-2 डक बैक ले लिया, 1-2 मिस 1-2 मिस मिस निकल गए। ऐसे इसको परफॉर्म कर सकते हो। तो ये था शैडो बॉक्सिंग का बेसिक, होप आपको ये हेल्पफुल लगा हो। अगर इससे रिलेटेड आपका अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं पूरा ट्राई करूँगा आपके डाउट को दूर करने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक प्रैक्टिस करते रहें, अपना ध्यान रखें, कीप सपोर्टिंग।